हाँ जी, तो अब आते हैं अटेंडेंस की बात पे। लाइक मैंने जो डायरेक्टर सर एम बेगम उनसे बात करी थी। हाँ जी, तो क्या हाल आप सबके। मैं आपका अपना विशाल गिलावत फिर से आगे एक नए व्लॉग के साथ। तो आज हम जा रहे हैं दिल्ली टू चंडीगढ़। मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है, तो आज आपको कैंपस दिखाएंगे। MBA मार्केटिंग के लिए मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया है। तो जिन लोगों को भी एडमिशन लेना है या जो भी है या जो आना चाहते हैं वहाँ पे, उन लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो होगी क्योंकि मैं कैंपस दिखाऊंगा पूरा और आसपास में क्या है क्या नहीं है। तो वो चलो अब चलते हैं जी। तो अभी हम मुरथल रुके हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 5-5.5 घंटे का रास्ता है अगर बिना कुछ खाए चले तो। भाई मतलब भूख तो लगी गई है, तो चलो अभी आ जाओ, चलते हैं कुछ खाते पीते हैं फिर निकलते हैं यूनिवर्सिटी के लिए। यार तो अंदर गए तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो अभी हमें लगा अगर हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे तो 1-1.5 घंटा लग जाएगा, तो इट्स बेटर कि हम ऐसे चले और आगे कहीं पे देखें कहाँ खा सकते हैं। हाँ जी, तो अभी टाइम हुआ है 9:36 और अभी हम करनाल पहुँच चुके हैं। अभी भरवा रहे हैं सीएनजी फिल करवाने के बाद कुछ खाते भी हैं, बिकॉज यार वहाँ से सुखदेव से निकलने के बाद हमने कुछ खाया भी नहीं, कुछ मिला ही नहीं, तो हम सोचे चलते गए बट अभी खाना ज़रूरी है। 9:30 हो चुके हैं और सुबह से मैंने सिर्फ एक एप्पल खाया है। यहाँ से 2 किलोमीटर रह चुके हैं कैंपस, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा एरिया है और कैसा रोड है कैंपस के आसपास। ये देखिए, ये सामने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, बाहर ये रोड है। तो ये चंडीगढ़ से अराउंड 25-30 किलोमीटर दूर पड़ता है, मतलब मेन चंडीगढ़ में नहीं है, ये यूनिवर्सिटी है। यहाँ से ये गेट है और ये यूनिवर्सिटी, तो हमें हाँ यू टर्न ही लेना पड़ेगा यहाँ से। तो हाँ, तो यहाँ पे पहले एंट्री करनी है एडमिशन के टाइम लगभग। हाँ जी, नहीं वापस आएगी, ड्रॉप करके जाना। नहीं, साथ ही जाएगी जी। तो भाई ये पार्किंग है, यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी है और अब एक बार घूमते हैं कैंपस में देखते हैं। वहाँ से एंट्री के बाद जब घुसोगे इस साइड ये गर्ल्स हॉस्टल है, यहाँ पे लिखा हुआ है सुखना हॉस्टल ए गर्ल्स। यार मैं सोच रहा हूँ कोई MBA का बच्चा मिल जाए जिससे एक बार बातचीत हो जाए, और कोई टीचर मिल जाए, क्योंकि मुझे उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है। मैं MBA एक होता है, 2 ऑप्शन है, MBA जनरल और एक बिजनेस एनालिटिक्स करके, कौन सी चूज़ करनी चाहिए। यार कैंपस तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्यारा है अंदर से अभी तक जितना भी देखा है। अकेडमिक ब्लॉक 11, यहाँ पे फिर से पार्किंग। यार अकेडमिक ब्लॉक हमें 14 में जाना है MBA के लिए, बात करने के लिए 14। हाँ जी, तो अब आते हैं अटेंडेंस की बात पे। लाइक मैंने जो डायरेक्टर सर एम बेगम उनसे बात करी थी, तो उन्होंने बोला बिल्कुल भी नहीं, लाइक 75% अटेंडेंस नेसेसरी, वो तुम्हारी होनी ही चाहिए, उससे 1% भी कम हुई तो फिर डिटेन फाइन ये वो। तो भाई अटेंडेंस के लिए तो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। हाँ जी, तो अगर आपको अपना एक्स्ट्रा फैट रिड्यूस करना है तो एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है, वो आप लोगों को भी पता है। उसके साथ जो आप यूज़ कर सकते हो, वो यूज़ कर सकते हो मार्स कंपनी से स्लिमिंग ऑयल, ये मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स उन्होंने यूज़ करे हैं वो हैं टर्मरिक ऑयल, आमला ऑयल, टी ट्री ऑयल, हर्ड ऑयल, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसको यूज़ कैसे करना है, 15-20 मिनट इसको मसाज करना है, 15-20 मिनट ऑयल लिया और उसके बाद मसाज किया, उसके बाद कवर करना है हॉट टॉवल से। और अब आप ये पूछ रहे हो कि इससे ऑर्डर कैसे करें, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाइए वहाँ पर क्लिक करिए तो आपको ये प्रोडक्ट वहाँ पे दिख जाएगा और क्लिक करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो अभी चलो आगे ब्लॉग पे। भाई अगर तुम खाने पीने के शौकीन हो तो तुम्हारे मज़े होने वाले हैं, काफ़ी ऑप्शंस मिलेंगे। जो नॉर्मल कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की, जो
कैंटीन होती है उनसे काफ़ी फार बेटर है, काफ़ी ज़्यादा बेटर है। बट मेरा तो अभी थोड़ा सा मूड चेंज सा हो रहा है यार, मतलब कैंपस अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, बट तो ऑलमोस्ट मैंने आपको पूरा कैंपस दिखाई दिया है। तो अब चलते हैं वापस घर, उससे पहले कोई देखते हैं आसपास में रहने वगैरह के लिए। अगर मैं यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन लेता हूँ तो मैं बाहर कुछ कोई स्पेस लेके, कोई फ्लैट वगैरह लेके रहूँगा, तो एक बार वो देखते हैं कि वो कैसे हैं, और फिर बताता हूँ आपको कैसे क्या सीन है कि मैं एडमिशन ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने यहाँ पे जो सी यू सेट एंट्रेंस होता है वो मैंने दे दिया है, और 50% स्कॉलरशिप भी मिल चुकी है। तो एडमिशन लेने के लाइक प्लान तो पूरा ही था, अब देखते हैं। तो आपको मेरे हिसाब से 11-12 हज़ार में 2 BHK यहाँ पे कॉलेज के पास 2 किलोमीटर के एरिया में मिल जाएगा। बट अभी मुझे पर्सनली खुद पसंद नहीं आया, बिकॉज मैं जो देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि एक अच्छा फर्नीचर हो अंदर, ताकि लाइक अगर मुझे कुछ शूट वगैरह करना हो तो मुझे उसमें दिक्कत ना आए, मैं साथ साथ में शूट भी कर पाऊँ। तो ऐसा मैं अभी कोई सर्च कर रहा हूँ। वैसे अगर जिन्हें नॉर्मली रहना है, सिर्फ अपना जैसे पहले जाए गए और उस तरीके के लिए, तो यहाँ पे बहुत सही है। और वैसे अभी मैं देख रहा हूँ, क्या पता मुझे भी कोई अपना लाइक जो मैं जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा मिल जाए। ये वाला फिर भी बेटर है यार, चलो फाइनली जो चीज़ देख रहा था वो मिली तो है। हाँ जी, तो आज का व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। इस व्लॉग में मैंने आपको दिखाई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, पूरा कैंपस दिखाया है, एक दो चीज़ें हैं जो वो बताई हैं। फ्लैट्स का जैसे मैंने बताया, नॉर्मल फ्लैट 2 BHK यहाँ पे 13-14 हज़ार के आसपास मिल जाएगा, और थोड़ा सा अच्छा चाहिए तो वही 16-17-18-20 तक परफेक्ट, मतलब जो एक होता है ना बढ़िया फ्लैट वो मिल जाएगा। जैसे मुझे शूट वगैरह करना है तो मुझे कोई अच्छा चाहिए तो मुझे 20 तक में मिलेगा यहाँ पे अच्छा फ्लैट। तो अभी मैं व्लॉग एंड कर देता हूँ, बिकॉज बैटरी भी नहीं है और निकलना भी है, और बस तो चलो चलते हैं। अरे हाँ, एक बात बताना भूल गया, तो वो भैया थे ना, तो वो पूछ रहे थे कहाँ से हो, मैं बोला भाई दिल्ली से, तो फिर उन्होंने देखा तो जैसे थोड़ा सा होने लगा भाई हरियाणा से, हमने बोला हाँ, कहते यार हरियाणा वालों को तो मुश्किल ही देंगे। मैंने बोला अरे भाई क्या हो गया, कह रहे यार लड़ाई झगड़ा हो गया था। मैंने बोला अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा माइंडसेट नहीं बनाना चाहिए ना कि हरियाणा से हैं तो लड़ाई झगड़ा करेंगे ही करेंगे। तो भाई वो थोड़ा सा फनी सा लगा था मुझे। चलो ठीक है, बाय बाय, आई लव यू ऑल, एंड कीप सपोर्टिंग। वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना, एंड 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 एक बात याद रखना, मोहब्बत है तुम सब मेरी। तो चलो बाय बाय।